बिग बॉस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना मैंने देखा है, मैं चाहता हूँ कि उमर जीते, बाकी सब. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाउ दे गाइज विल परफॉर्म. एंड मेरी मॉम देखती हैं काफ़ी, तो मॉम कहती हैं कि आजकल वो करण कुंद्रा इज डूइंग रियली वेल. हाय, आई एम विशालादित्य सिंह एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर. बिग बॉस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना मैंने देखा है, मैं चाहता हूँ कि उमर जीते, बाकी सब. अरे उमर अच्छा खेल रहा है तभी तो यहाँ तक है यार, सिंपल सी बात है. कैसा खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता. अच्छा खेल रहा है तभी तो यहाँ पे है. उस शो में यहाँ तक रहना ही मतलब कमाल की बात है, और जब यहाँ तक रहा है तो मैं चाहता हूँ जीते. थैंक यू सो मच बाबा. कुछ नहीं है भाई, फिर से वही मतलब ब्लैक डेनिम जो मेरा फेवरेट है. और तुम ही लोग वायरल करते हो. थैंक यू सो मच. हम लोग मतलब पहन के चले आते हैं कुछ भी, उसके बाद जब तुम सवाल पूछते हो तो. अरे ऑब्वियसली तीन चीज़ें देखने के लिए आया हूँ, क्रिकेट, रणवीर सिंह एंड पूरी फिल्म, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर फिल्म है और बायोपिक है. तो और हम लोग थे भी नहीं यार, हम मतलब इस दुनिया में नहीं थे जब ये फिल्म आई थी, और हमने बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स में देखे हैं यूट्यूब पर जो भी है. पूरी फिल्म देखने का मौका मिलेगा, एक जर्नी देखने का मौका मिलेगा कैसे हमारे 83 का कोई किस्सा याद नहीं है. 83 से सिर्फ एक ही इंसान याद रहता है हर बार, कपिल देव. हालांकि बहुत लोग थे उस पूरी फिल्म में, 11 लोग थे और कमाल की टीम थी, लेकिन एक किस्सा यही है कि सर कपिल सर ने जिस तरीके से टीम इंडिया को लीड किया लाजवाब, और कपिल सर का 175, हालांकि बीसी मतलब वो नहीं हो पाया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन वो 175 अमेजिंग. मुझे नहीं पता. मैंने जानता टॉप 3 में कौन होगा कौन नहीं होगा. मैं चाहता हूँ कि उमर जीते, दैट्स इट. बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर देयर, डोनाल्ड बिश थी एंड साहिल श्रॉफ था, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाउ दे गाइज विल परफॉर्म. एंड मेरी मॉम देखती हैं काफ़ी, तो मॉम कहती हैं कि आजकल वो करण कुंद्रा इज डूइंग रियली वेल. सो आई जस्ट विश हिम एंड द एंटायर लॉट दैट इज स्टिल देयर इन बिग बॉस दैट गाइज बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड जो बेस्ट हो वो जीत जाए. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं हर मूवी के लिए एक्साइटेड रहता हूँ, नॉट जस्ट 83, बट दिस मूवी इज स्पेशल बिकॉज दिस इज हाउ यू नो वी इमर्ज एज अ क्रिकेटिंग नेशन, जहाँ पर हमारा क्रिकेट बहुत पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था. मैंने पर्सनली ये मैच देखा नहीं है, बट उस मैच में हुआ क्या था मुझे इस फिल्म में पता चलेगा. माई डैड कीप्स टेलिंग मी अबाउट वॉट हैपेंड एंड हाउ पॉपुलर द 83 मैच वॉज. और नॉट जस्ट द मैच, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर ऑल द एक्टर्स हु हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द ट्रेलर, एंड द रिव्यूज आर ग्रेट. सो लेट्स सी कैसा पसंद आता है. सो माई डैड इज ऑल्सो हेयर, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है इस मैच को देखने के लिए. मैं यार इंडिया में कौन क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करता, ठीक है, मतलब ये तो शायद ही कोई होगा जो बोलेगा नहीं. क्रिकेट मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, एंड आई हैव प्लेड टू सर्टन गुड लेवल ऑल्सो. Yeah, so I've just done a series with Hotstar, और official announcement I guess जैन तक हो जानी चाहिए, तो जैसी होगी आपको मेरे Instagram में पता चल जाएगा.